तो जैन दोल, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम एक्सपर्ट नॉलेज। तो गाइज, आपको पता है कि पेपर आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है एओसी के द्वारा 21 मई को। आज आपका 20 और कल आप सबका पेपर है एओसी ट्रेसमैन मेट एंड फायरमैन का। बहुत सारा कमेंट मुझे आया कि सर ये जो प्रोफाइल सर कैसी, हमें सर क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं टीममेट में फायरमैन में, प्लीज़ सर एक वीडियो बना दीजिए। तो गाइज, ये वीडियो उन सब के लिए नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपके वर्क को लेके। लेकिन गाइज, ये वीडियो है आपको पेपर सोल आउट कैसे करना है, क्या आपका पैटर्न है, क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग है, पेपर आपको कैसे सोल आउट करना है, पेपर आपका कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। जिन मेरे भाइयों का पेपर कल है उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और पूरा देखिएगा। गाइज, बात करें हम पेपर के बारे में, आपको पता है दोस्तों कल पेपर है आपका अलग अलग यूनिट्स में। कैंडिडेट्स कोई ट्रेन में अभी सफ़र कर रहा है, कोई यूनिट के बाहर पहुंच गया है, क्योंकि पेपर कल सुबह होने वाला है और सुबह एंट्री आपकी हो जाएगी 8 आई थिंक 10-11 बजे के आसपास पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा कल। और प्लीज़ गाइज, अपना टाइम से पेपर मतलब पेपर की जो आपकी यूनिट है, जो भी आपकी लोकेशन है, वहाँ आराम से पहुँचिएगा और टाइम से पहले जाइएगा, टाइम के बाद में मत जाइएगा, ठीक है। गाइस, बात करें पेपर के बारे में, पेपर आपका ऑफलाइन है, ओएमआर बेस्ड है। बात करें नेगेटिव मार्किंग के बारे में, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बात करें गाइस एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपकी रीजनिंग 50 मार्क्स की है, मैथ आपका 25 मार्क्स का है, इंग्लिश 25 मार्क्स की है, जीके आपकी 50 मार्क्स की है। मैं ऑलरेडी इंग्लिश एंड जीके के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। जिन कैंडिडेट्स ने अब तक मतलब नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ गाइज उन नोट्स को अपने पास मत रखिएगा, उनको रीड आउट कीजिएगा। इंग्लिश का भाई मिस स्पेल्ड वर्ड हैं, स्पेलिंग एरर्स मैंने डाले हैं उसमें, एंटोनियम सिनोनियम्स डाले हैं, ठीक है, एडियम फ्रेजेस डाले हैं, काफ़ी अच्छी वोकेबलरी डाली है मैंने, खुद मैंने अपने हाथ से टाइपिंग करके आपके लिए वोकैब डाली है मैंने उसमें। तो प्लीज़ उसको रीड आउट करते रहिएगा। और ये मत सोचिए सर पेपर में पता नहीं कहाँ से क्या आएगा। गाइज, पेपर आपका मॉडरेट आएगा, पेपर टफ नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि भर्ती आपकी 10th बेस पे है। कोई ये हाई जो भाई जो भर्ती है आपकी, कोई ग्रेजुएशन बेस पे नहीं है, ये 10th बेस पे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा। ये मत सोचिएगा सर पता नहीं पेपर में क्या आएगा, जो आपने पढ़ा है वही पेपर में दिखेगा आपको, वही क्वेश्चन आपने रीड आउट करे हैं वही वहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। कोई पेपर बाहर से नहीं आएगा, पेपर इतना ईजी होगा, अगर आपने दिल से पढ़ाई करी है भाई, तो आप पेपर में आराम से 120 या फिर 110 के आसपास आप स्कोर आराम से कर दो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गाइज, बात करते हैं आगे सर कि इसमें से नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग पक्का है इसमें, 1/4 की है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको वीडियो में, और मैंने अभी बता दिया है आपको। और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा हैं जो भी हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। गाइज, बात करें कट ऑफ के बारे में, भाई देखिए कट ऑफ पे पहली बात यह कि पेपर होने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या। बहुत सारे यूट्यूबर हैं मेरे भाई बंधु हैं जो पहले ही आपको कट ऑफ का मतलब गुणगान कर देते हैं कि हाँ कट ऑफ 120 है, 110 है, 110 है, 105 है, 100 है, ठीक है। लेकिन गाइज, ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। जब आप पेपर दे के निकलोगे एग्जाम सेंटर से, पेपर का लेवल चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से कट ऑफ आपकी बनती है भाई। लेकिन मैं आपको अपना एक थोड़ा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। अगर आपकी दोस्तों का जनरल है, आपको 110 से 120 के अराउंड आराम से स्कोर करना पड़ेगा, तो ही आप सोचें कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपकी कास्ट ओबीसी है, तो भाई आपको 90 से 100 के बीच में स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी सोचिए कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपकी कास्ट एससी है, 85 से 95 के अराउंड आपको भी कम से कम क्वेश्चन सोल्व आउट करने पड़ेंगे, सही सही क्वेश्चन। ये नहीं कि इसमें आप रोंग भी कर दो, नहीं नहीं, आपके जो मार्क्स हैं 85 से 95 के अराउंड होने चाहिए एससी कास्ट में, तभी आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो एमएसपी और स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट्स हैं, मतलब स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं और मतलब कि AWS वाले हैं और बाकी आपका ESM वाले हैं, आपको भाई कम से कम 75 के अराउंड भी आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करना पड़ेगा, सही सही क्वेश्चन। गाइस, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, हवा हवा में तीर मत मारिएगा कि हाँ भर दिया, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया, ये भाई आपकी ज़िंदगी तय करेंगे, ठीक है। जो देख रहे हो ना यहाँ पे 150 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे मतलब इनको फील करना, ये आपकी ज़िंदगी तय करेंगे। तो भाई अच्छे ढंग से फील कीजिएगा, पूरा सर्कल को फील कीजिएगा, हवा हवा में तीर मत मारिएगा, ठीक है। तो गाइज देखिए, मेन फोकस आपका किस पे रहना चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, आपको पता है ये सब आने वाला है। सबसे पहले आपको सोल आउट क्या करना है भाई, रीजनिंग सबसे ईजी होता है, रीजनिंग सोल आउट कीजिएगा। फिर आपको क्या सोल आउट करना है, मैथ्स करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, जीके एंड इंग्लिश करना है, ठीक है। क्योंकि भाई अब टाइम आपका ज़्यादा किस में लगेगा, रीजनिंग और मैथ्स में लगेगा। इन सबको सोल आउट करके आप आराम से
इंग्लिश एंड जीके आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर का भाई पैटर्न एकदम सिंपल रहेगा, सिंपल वे में पेपर आएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक मेरी यूट्यूब पूरी फैमिली को जो जो मुझसे जुड़े हुए हैं अब तक, आप सबको भाई मैं उम्मीद करूँगा पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा, शानदार होगा, धमाका कर देना आप सबको। मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से कम 100% बच्चों का सिलेक्शन चाहिए। तो गाइस सबको पढ़ते रहना, स्टडी करते रहना, खाते पीते रहना, जय बाबा की। एंड तैयारी करो, मेहनत करो और भाई कल का पेपर में धमाका उठा दो, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, चैनल आपका, आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, जो वीडियो को लाइक नहीं करेगा लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।